नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि टेक्नोलॉजीज के विकास के साथ भारत ग्रोथ के केंद्र में बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बदल रहा है, साथ ही पीएलआई स्कीम से देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिला है। उन्होंने यह बात नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के दौरान कही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत में जैसे जैसे ई कॉमर्स सेक्टर और हेल्थ सेक्टर का विकास होगा, रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा और आने वाले समय में रोबोट्स डॉक्टर और नर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अमिताभ कांत का कहना है कि रोबोट बनाने वाली यह इकाई मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाती है। उन्होंने नोएडा की इस फैसिलिटी को विश्व स्तरीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में काफ़ी बढ़िया R&D हुआ है, साथ ही हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ है। कांत का कहना है कि अब वक्त तेजी से बदल रहा है और लगभग हर सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय रोबोटिक्स, ड्रोन, 5G, बैटरी स्टोरेज, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट और अन्य टेक्नोलॉजीज में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ने रोबोट बनाने वाली इस इकाई को बोट वैली का नाम दिया है। कंपनी ने 75 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस फैसिलिटी को बनाया है। यह इकाई 2.5 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। कंपनी के को फाउंडर और CEO संगीत कुमार ने कहा कि इस फैसिलिटी की खास बात यह है कि रोबोट निर्माण में रोबोट की ही मदद ली जाती है। संगीत कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट ई कॉमर्स के साथ अन्य कई सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।